फास्ट छत्तीसगढ़ और सबसे पहले खबर कवर्धा से, जहां कवर्धा में पहली बार हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बाबा भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां शिव मंदिर में विशेष पूजन अभिषेक भी किया गया और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। आज सावन के सोमवार पर भोरमदेव के शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। तो ये तस्वीरें देखिए आप, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों पर भोरमदेव मंदिर में पुष्प वर्षा की और उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है सावन के सोमवार में भोरमदेव में पुष्प वर्षा हुई है। तो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और पुष्पों से वर्षा की श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर। भोरमदेव में भगवान की पूजा किए हैं, देवाधिदेव महादेव का विधिवत पूजा किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन मंगलमय हो। आज भोले बाबा से आशीर्वाद मांगे और इस बार हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर में। कवर्धा में सनातनी मान बिंदुओं का अपमान किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में वेदना थे इस विषय को लेकर के। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने हृदय में ही निश्चय किया होगा और जब उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि सोमवार के दिन में जब कांवड़ियों का एक बड़ा जत्था होगा भोरमदेव महाराज के पवित्र प्रांगण में, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके सम्मान की पुनर्स्थापना की जाएगी। मैं हृदय से। और इधर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, कांवड़ियों पर पुष्प बरसाएं ठीक है, राजनीति ना करें। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प वर्षाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर नगर निगम के पार्षद वाटर ट्रीटमेंट का पाठ बेंगलुरु और मैसूर से सीखेंगे। 70 पार्षदों का दल कल बेंगलुरु और मैसूर शहर के दौरे पर जाएगा। दोनों शहरों से ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ये पार्षद एक हफ्ते तक दोनों जगहों पर रहेंगे और फिर लौटकर रायपुर में इसे लागू कराने की कोशिश करेंगे। कल पूरे 70 पार्षद अध्ययन दल के लिए बेंगलोर रवाना हो रहे हैं। कल 11 बजे की फ्लाइट है, वहां पर जाके हम स्वच्छता को लेकर, वहां एक वाटर का नया सिस्टम चालू हुआ है पानी ट्रीटमेंट को लेकर, तो ये दो चीज हम लोग बेंगलोर नगर निगम और मैसूर नगर निगम जाके वहां देखेंगे। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां छात्र को उसी की कार से अगवा किया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। अपहरण और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आरोपी छात्र के पेट में चाकू मारने की धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। मामला बिलासपुर का है, जहां एक छात्र को उसी की कार से पहले अगवा किया गया, उसके साथ मारपीट भी की गई, उसे चाकू मारने की धमकी देते हुए भी जो आरोपी हैं वो नजर आ रहे हैं और अब इधर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। तो बिलासपुर में 3 दिन से लापता छात्र का शव खूंटाघाट डैम में तैरता मिला। यह छात्र बेमित्रा का रहने वाला था। बिलासपुर में रहकर यह पढ़ाई कर रहा था। छात्र का नाम बेंक सिंह बताया जा रहा है, जो यहां पीएससी की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि छात्र का फोन बंद था और परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे और अब जाकर छात्र का शव बरामद हुआ है।
और अगली खबर भी बिलासपुर से। बिलासपुर एक के बाद एक तीन हत्याओं से दहल गया। पहली वारदात में चाचा भतीजे ने मामूली विवाद में रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस ने इस वारदात के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी वारदात में एक युवक को पुरानी रंजिश में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। चिंगराजपारा संतोषी चौक के पास यह वारदात हुई। पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। और तीसरी वारदात में पति ने पत्नी को सिलबट्टे से वार कर मौत की नींद सुला दिया। पारिवारिक विवाद मर्डर की बड़ी वजह बताई जा रही है। सीपत थाना इलाके के नरगोड़ा में यह वारदात हुई। और यह खबर भी बिलासपुर से। बिलासपुर में फिर चाकूबाजी हुई है। पुरानी रंजिश में युवक को चाकू मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। पुरानी रंजिश में यह वारदात हुई। चिंगराज पारा संतोषी चौक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। तो पुरानी रंजिश में बताया जा रहा है कि चाकूबाजी हुई और इसमें एक शख्स की जान चली गई। उधर दुर्ग पुलिस ने महादेव सट्टा पर बड़ी कार्रवाई की है। चलती कार के अंदर सट्टे का पैनल चलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से सट्टा का लाखों रुपए का हिसाब, एटीएम और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की है। और इधर दुर्ग में डॉक्टर से साइबर ठगी हुई। बीमा एजेंट बनकर ठगों ने लगभग 14.5 लाख का चूना लगा दिया। आरोपियों ने पीड़ित से पॉलिसी में निवेश करवाने के नाम पर चूना लगाया। फिलहाल ठगी के शिकार डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर कांकेर से। कांकेर में शिक्षकों की कमी से नाराज प्रयास स्कूल की छात्राओं ने आज सड़क पर जाम लगा दिया। छात्राएं स्कूल छोड़ बाईपास सड़क पर पहुंच गईं और चक्का जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षकों की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। छात्राओं के सड़क पर प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने छात्राओं को समझाइश देकर मामला शांत कराया। हमारा अभी जो प्रयास विद्यालय में गुरु कृपा संस्था है जो पढ़ा रहे हैं, स्टेट लेवल पे इनको जो अभी आवंटित हुआ है अभी जुलाई में, और जैसे आवंटित हुआ है तो इनको जो निर्देश दिया गया है कि आप तत्काल क्लास शुरू करें। बच्चों से मेरी बात भी हुई थी कि मंडे से आपके क्लास रेगुलर होंगे, और क्लास रेगुलर आज शुरू किए थे, लेकिन क्लास शुरू होने के बीच में ही बच्चों ने फिर वॉकआउट किया है। बच्चों का कहना ये है कि हमारे जो फैकल्टीज हैं बीच में चेंज नहीं होने चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस मामले में अब इस ऊपर लेवल से अपन बात करेंगे कि फैकल्टीज इनका चेंज ना हो। जो हमारी संस्था पढ़ा रही है उनको बताया जाएगा कि अपने फैकल्टी जो सब्जेक्ट टीचर है वो चेंज ना करें, वो कंटिन्यू रखेंगे। सर आज हम लोग ये कदम नहीं उठाए ना तो कभी नहीं होने वाले। बहुत पहले से होते चला रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा। सर कितने बार इस तरीके से मांगा? सर हम लोग बहुत बार किए हैं, लिख के भी दिए हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं होता। सर हमने कितने लेटर लिए लिखे हैं पहुँच ही नहीं पाता सर, इसलिए हम लोग कोई मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है। सर हम लोग के करने का ये रीजन है कि हम लोग की बात को सुना नहीं जा रहा था, इसलिए हमको ये मजबूरी में ये कदम उठाया गया। हम जानबूझ के नहीं किए सर। क्या मांग है आप लोगों की? सर हम लोग की मांग ये है कि जो अभी टीचर्स नहीं है 11th के वो चाहिए हमको, और हम लोग का प्रॉपर हम लोग के जो प्रयास में वहाँ विजिट करने के लिए हर महीने कलेक्टर साहब आए, ताकि उनको पता चले कि हम लोग के जो प्रयास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और खबर बस्तर से। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के केशलूर वेयर हाउस में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वेयर हाउस में हजारों टन अनाज रखा हुआ है लेकिन देखरेख नहीं की जा रही, लिहाजा वेयरहाउस में कीड़ों का घर बन गया है। और आलम यह है कि इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि ये आसपास के घरों तक पहुंचने लगे हैं। कभी ये किसी के खाने में गिर रहे हैं तो कभी किसी के कानों में घुस जा रहे हैं। वेयरहाउस के आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। वेयरहाउस प्रबंधक से शिकायत भी की गई लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। यहाँ 3 ब्लॉक का चावल बोरा रखा जाता है और उन बोरों से उत्पन्न होने वाले कीड़े पूरे गांव में फैल चुके हैं, और इन कीड़ों की वजह से हम सब परेशान हैं। खाना खाते टाइम ना खाने में कीड़े नजर आते हैं और सोते टाइम नाक कान में कीड़े घुस जाते हैं। हाँ मैं रियल में क्या है, अभी मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं था। कल ले देकर मैं कवर मंगवा रहा हूँ उसको ढकने के लिए। नहीं दे रहे थे क्या?
मिल ही नहीं पा रहे थे, अपन को लेट मिले हैं अब तो आज पूरे में ढकवा देता हूँ। मानसून में जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में सांप और बिच्छू का डर बना रहता है, तो वहीं मौसमी बीमारी का भी प्रकोप जारी है। मलेरिया और डेंगू जैसे घातक बीमारी जो खतरा है वो अभी टला नहीं है, लेकिन ग्रामीण अंचल में एक नया खतरा पैदा हो गया। ये वेयर हाउस है और यहां पर हजारों टन चावल रखा हुआ है। इस हजारों टन चावल को रखने के लिए जो उचित देखभाल होना है वो नहीं किया गया, इससे चावल के अंदर से जो कीड़ा निकल रहा है वो ग्रामीण सीधा ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है और ग्रामीण को लोगों को सोने और खाने में काफ़ी दिक्कत पैदा हो रही है। इस वेयर हाउस से जो हजारों टन चावल है यहाँ से दरभा, बास्तानार और तोकापार ब्लॉक के जो उचित मूल्य दुकानों में ये राशन भेजा जाता है, लेकिन उचित देखभाल की नहीं होने की वजह से, प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जो कीड़ा निकल रहा है वो ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा परेशान किया जा रहा है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर ग्रामीण द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी प्रबंधन क्या जो कीड़ा निकल रहा है इस पर कोई उचित कार्रवाई करता है या फिर जो समस्या है जस की तस बनी रहेगी। उधर गरियाबंद के मैनपुर में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल हरदी भाटा और मैनपुर में मुक्तिधाम की सफाई को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए। इस जाम को समर्थन करने के लिए कारोबारी भी अपनी दुकानें बंद कर इसमें शामिल हुए। बता दें कि मुक्तिधाम में रसूखदारों के कब्जे को हटाने के लिए ग्रामीण बीते 2 साल से मांग कर रहे हैं और वहीं आज जब ग्रामीणों ने चक्का जाम किया तब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम हटवाया। इस मामले में एसडीएम ने 15 दिनों के अंदर मुक्तिधाम की सफाई कर कब्जा हटाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का मांग था कि मुक्तिधाम का साफ सफाई के बारे में, तो जैसे मांग हुआ हम लोग कार्य ना चालू कर दिए हैं। उसमें पानी अंदर जाता तो उसके लिए नाली को चौक करके अंदर नाली का पानी निकालने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें मरम्मत की भी मांग किए हैं, तो उसमें माइनिंग विभाग से मुरम की ढुलाई ना किया जा रहा है, काम चालू हो गया, ऑर्डर हुआ है। मांगकन में 1-2 दिन के अंदर करवा दूंगा और इसके बाद फिर रास्ता का भी निर्माण जितना जल्दी हो सके करेंगे। पिछले कई वर्षों से मुक्ति धाम की समस्या बनी हुई है लगातार, वहाँ पर पानी का ठहराव बना हुआ है और दलदल है, आने जाने का मार्ग स्पष्ट नहीं है वहाँ का और गली का पानी वहीं घुस रहा है। नदी पारा में मार्ग नहीं है ले जाने के लिए, नदी से पार होकर के लोग शव को ले जा रहे हैं। ऐसी समस्याएं 3 जगह बनी हुई है, मैनपुर में 2 और 1 हल्दी भाटा में। उस विषय को लेकर खबर धमतरी से, जहां सीआरपीएफ कैंप में गोली चल गई है। बिरना असिल्ली सीआरपीएफ कैंप में बताया जा रहा है कि गोली चली है, सफाई के दौरान गोली चल गई, जवान घायल, जवान के हाथों में गोली लगी है, उसे रायपुर रेफर किया गया है। एलएमजी साफ करने के दौरान यह हादसा हो गया। दरअसल एलएमजी साफ कर रहा था जवान, उसी दौरान एलएमजी से गोली चल गई और इसी में जवान घायल भी हो गया है जो खुद इस एलएमजी को साफ कर रहा था। इसके बाद इसे घायल अवस्था में रायपुर रेफर किया गया है। सीआरपीएफ कैंप बिरना सिल्ली में, जो कि हमारा फॉरवर्ड कैंप है, वहां पर आज सवेरे हथियारों की सफाई के दौरान में एक एक्सीडेंटल फायर हुआ था, जिसमें एक हवलदार के हाथ में चोट आई है। अभी उसको रायपुर रेफर किया गया है और वर्तमान में हवलदार की हालत जो है सामान्य है, अभी इस संबंध में पूरी जाँच चलेगी। और खबर जशपुर से, जहां सड़क किनारे महिला का प्रसव हो गया। 2 बच्चों के साथ घर से निकली थी महिला, प्रसव पीड़ा होने पर सड़क के किनारे ही गर्भवती लेट गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है, महिला कर्मचारी ने सड़क पर ही महिला की डिलीवरी कराई। हालांकि अच्छी बात को बता दें, जच्चा और बच्चा नारायणपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए, तो सड़क पर ही महिला की डिलीवरी हो गई और उसके बाद अब जच्चा बच्चा दोनों को नारायणपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। खबर धमतरी से, जहां एक तेंदुआ रस्सी में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन तेंदुए ने रस्सी तोड़कर जंगल की ओर वो भाग गया। दौड़ते हुए तेंदुए ने एक मीडिया कर्मी पर अटैक भी कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया।
जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला उदंती सीता नदी अभ्यारण के मेचका गांव का है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, धमतरी से तस्वीरें सामने आई हैं। रस्सी में फंस गया था तेंदुआ, हालांकि उसे बाहर निकाला गया। इसी दौरान उसने एक मीडिया कर्मी पर भी हमला बोल दिया। और धमतरी के सिहावा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। सिहावा थाना इलाके के कोरमोड गांव से एक 3 साल के बच्चे को ले गया तेंदुआ। बताया जा रहा है कि मासूम घर के बाहर खेल रहा था और गायब हो गया। घर के आसपास गीली जमीन पर तेंदुए के पंजों के निशान दिखाई दिए। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेंदुआ ही इस मासूम बच्चे को उठाकर ले गया। तो धमतरी में 3 साल के मासूम बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया। ये इस बात की आशंका इसलिए लगाई जा रही है कि चूंकि आंगन में मासूम बच्चा खेल रहा था और इसी दौरान वो जब गायब हो गया, उसके बाद जब पड़ताल की गई तो आसपास तेंदुए के पंजों के निशान पाए गए। और इधर छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। बलौदा बाजार में नाले में एक लड़का बह गया जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। वो अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। फिलहाल लड़के का पता नहीं चल सका है। उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो गायब युवक दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। बाजार जिले में बारिश के बाद नदी और नाले में उफान आने शुरू हो गए थे। आज बलौदा बाजार जिले के कुर्सी नाला में हम मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नगर सेना की टीम है। यहाँ पर 17 वर्षीय नाबालिग युवक नाले में बह गया। उन्हें यहाँ पर नहाने के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पर ये बह गए। उसके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं भैया कैसे हुई है करके। वो उधर भैया नहा रहे थे तो लास्ट में जब सब लोग निकलने लगे हैं तो शैम्पू लगाया और बोला एक बार और नहा के आता हूँ, बट डायरेक्ट कूदा है फिर निकला नहीं। फिर मैं पीछे में कूदा हूँ लेकिन हाथ नहीं आया। कितने घंटे हो गए? लगभग लगभग 7:30 बजे का टाइम, मतलब 3-4 घंटे हो गए। हाँ, 3-4 घंटे। ये टीम कितने समय पहुँची? ये टीम 1 घंटा बाद पहुँची। हाँ, किसको पहले सूचना दिए थे? पुलिस को। ये देख सकते हैं सुबह 7:30 बजे की घटना है। यहाँ पर नाले में कई युवक है, यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए और यहाँ पर डूब गए युवक और उनका जो पता है अब तक नहीं चल पाया है। यहाँ पर देख सकते हैं नगर सेना की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया कितने समय से आप लोग ढूंढ रहे हैं? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से अभी तक कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। बोटिंग आपकी? बोट इसमें नहीं चल पाएगी। क्यों, क्या कारण क्या है? पानी कम है। पानी कम है, पत्थर उत्थर है उसमें खराब हो जाएगा, बोट पलट सकता है। और जशपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली बच्चों से भरी बस को फनती नदी में पार करने के मामले में एक्शन हो गया है। परिवहन विभाग ने स्कूली बसों पर कार्रवाई करते हुए 2 बसों पर 13,000 का जुर्माना वसूला है और 3 महीने के लिए दोनों बसों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल रमसमा की बसों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने स्कूली बच्चों से भरी बसों को ढेंगुर जोर नाले को पार करने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अब न्यूज 18 की खबर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। उधर कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों के एक दल का वीडियो सामने आया जिसमें हाथियों का दल सड़क पार करता हुआ नजर आ रहा है। इस दल में हाथी का एक छोटा बच्चा भी शामिल है। हाथियों का दल इस बेबी एलिफेंट का झुंड के बीच में लेकर चल रहा है। हाथियों का यह दल केंद्रीय रेंज के कोयलार गडरा रोड को पार करता हुआ नजर आया। उधर रिहायशी इलाके के पास हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग हाथियों के दल की निगरानी में जुटा हुआ है। और अब देखिए टॉप 20।